अब्दुलरहमान फ्रॉम एसएसजी मुंबई। सो गाइस फाइनली जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, मोटोरोला ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कहता था मैंने रिसेंटली मोटोरोला के एक डिवाइस की एक्स्ट्रा सिलेंडर का वीडियो रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मोटोरोला की डिवाइसेस बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, उनमें जो चिपसेट लगी होती है, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है भाई लाजवाब होती है। बरन हमें वो किट फोन देखने को मिलता है, बरन अब मोटोरोला जो है ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान में अपने डिवाइसेस को जो है लॉन्च करना स्टार्ट हो चुका है। ये डिवाइसेस आपको पीटीए अप्रूव देखने को मिलेगी, प्लस वन ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी, और कोई किट फोन नहीं है, ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान में ये आना स्टार्ट हो गया है। आज की वीडियो में डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका कंप्लीट एंड क्विक रिव्यू करके आपके सामने शेयर करेंगे, देखेंगे क्या क्या स्पेक्स, क्या क्या फीचर और कैसी लुक इसकी यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। So guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हैंड में मोटोरोला G84 5G का बॉक्स, इसकी सील ऑलरेडी रिमूव है। यहाँ से हम बॉक्स को इस तरह से हमने उठाना है तो नीचे से आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाएगी। देखिए मोटोरोला G84 को हम बाहर निकालते हैं, बैक साइड की आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी यहाँ पे लुक इन्होंने बनाई है। यहाँ पे काफी स्लिम किस्म की डिवाइस बनाई गई है और काफी हैंडी है, यानी कि इसका वेट बिल्कुल नॉर्मल सा रखा गया है, बिल्कुल कोई हैवी वेट इसमें हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो डिवाइस का पावर की को लॉन्ग प्रेस करते हैं और डिवाइस को ऑन करते हैं, जैसे ही जब तक हमारी डिवाइस ऑन होती है मजीद बॉक्स में हम देखते हैं क्या देखने को मिलता है। मजीद में हमें एक यूजर गाइड बुक देखने को मिलती है, उसके अलावा यहाँ पे हमें जो एक वो सिम रिमूवल भाई पिन देखने को मिली है, वो भी डिफरेंट किस्म की। देखिए सिम रिमूवल पिन देखने को मिली है, प्लस जो मोटोरोला पहले चार्जर प्रोवाइड करता था सेम वैसा ही एक अदद चार्जर प्रोवाइड किया गया। अगर यहाँ पे ये हमें 30 वाट का वायर चार्जर देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें एक सी टाइप केबल देखने को मिलती है। बॉक्स साइड पे रखते हैं, डिवाइस ऑन हो चुकी है, आते हैं हम अपनी यहाँ पे डिवाइस पे। भाई बहुत ही आला किस्म की फीलिंग आ रही है, आप कह लेंगे बहुत ही आला, समझ रहे होते हैं ना, काफी ज्यादा स्मूथनेस यहाँ पे हमें इसकी देखने को मिलती है। अभी जो है सबसे पहले मैं इस डिवाइस के स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात करता हूँ, तो यहाँ पे इस डिवाइस की जो फ्रेम है ना वो हमें प्लास्टिक की देखने को मिलती है, यानी कि प्लास्टिक की बॉडी यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा राइट साइड पे आपको वॉल्यूम की अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको पावर की प्रोवाइड किया गया है। डाउन साइड पे आप देखते हैं आपको स्पीकर देखने को मिलता है, उसके अलावा चार्जिंग बेस, माइक, हैंड फ्री जैक देखने को मिलता है, और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको जाके आपकी सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिलता है। अपर वाली साइड बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डॉल्बी एटमॉस की यहाँ पे आपको प्रिंटिंग देखने को मिलती है। जो गाइस इसकी बैक है वो इको लेदर टाइप इसकी बैक बनाई गई है और देखने में ऐसे लगता है जैसे खुरदरी होगी, बहरहाल खुरदरी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सी है और यहाँ पे आपको मोटो का लोगो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के डिस्प्ले के रिलेटेड, तो भाई यहाँ पे आप अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो पीओ एलईडी का डिस्प्ले देखने को मिलता है। भाई काफी अच्छा रिफ्रेश रेट भी इसका प्रोवाइड किया गया, रिफ्रेश रेट जो प्रोवाइड किया गया वो मैं आपको बता दूंगा रिफ्रेश रेट क्या है, इसमें हमें देखने को मिलता है 1 बिलियन कलर के साथ एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है। गाइस बहुत ही कमाल की चीज है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन 1080x1400 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसका प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड 13 की अपडेट देखने को मिलती है इसमें, इसका मेन्यू है जो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी इसकी मैं सेटिंग में जाकर आपको इसके अबाउट फोन के रिलेटेड बता देता हूँ। तो उसके अलावा यहाँ पे भाई अब आते हैं मेन इसका चिपसेट, अगर यहाँ पे मैं इसके चिपसेट के रिलेटेड बात करूँ भाई चिपसेट बहुत तगड़ी लगाई गई है। यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 695 5G की चिपसेट देखने को मिलती है 6nm के साथ। भाई चिपसेट देखने में तो काफी ज्यादा तगड़ी है, पबजी के ग्राफिक देखते हैं कितने सपोर्ट करता है। बहरहाल यहाँ पर अगर आप इसका पबजी टेस्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आने वाली वीडियो में इसका पबजी टेस्ट भी लेता हूँ। सीपीयू हमें ऑक्टा कोर देखने को मिलता है, उसके अलावा जीपीयू यहाँ पे एंड्रीनो 619 का यहाँ पे हमें जीपीयू प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट मैं बात करूं डिवाइस के कैमरा के रिलेटेड, बैक साइड पे आप देख सकते हैं भाई कोई लंबा 4-5 कैमरे नहीं बनाए, सिंपल से 2 कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हमें। तो यहाँ पे जो पहला कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे अगर मैं कैमरा ऑन करके आपको इसका रिजल्ट वगैरह भी शो कर दूं तो आप देख सकते हैं कैमरा कलर ग्राफिक वगैरह उसकी जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बरन नेक्स्ट फ्रंट पे हमें जो है वो सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की, फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा लगाई गई है। बैक कैमरे से वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 1080p 60fps तक जा सकते हैं, फ्रंट कैमरे से 1080p आप 30fps पे ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ भाई इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट, तो ये चीज भी बहुत अच्छी इन्होंने डाल दिया भाई, फिंगर इस डिवाइस का अंडर डिस्प्ले देखने को मिलता है। जो अंडर डिस्प्ले इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट हमें प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं इस डिवाइस के बैटरी रिलेटेड,
बैटरी की बात करूं भाई 5000 एमएच की बैटरी है और इसको चार्ज करने के लिए हमें 33 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया गया जो कि मैंने आपको साइड पे दिखा भी दिया है। डिवाइस की यूज वाइज बात करूं तो परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस बहुत ज्यादा फास्ट है, लाइक आपको फील होता है 120 हर्ट्ज का पैनल आप यहां पे यूज कर रहे हैं। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में मोटोरोला की डिवाइस ऑफिशियली तौर पर लॉन्च होना शुरू होगी और बहुत अच्छे स्पेक्स और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ और बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी। तो बहरहाल आज के समय में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप जिस चीज के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो वीडियो लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा। पर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत तक के लिए अल्लाह हाफिज।